नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे की पिंक बुक सामने आ चुकी है। नई लाइनों के लिए काफ़ी भारी भरकम बजट इस जोन को प्राप्त हुआ है। साथ ही दोहरीकरण के भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें काफ़ी अच्छा बजट प्राप्त हुआ। साथ ही बाईपास लाइनें भी विभिन्न स्टेशनों पर बनाई जा रही है, इसके लिए भी यहाँ पर बजट की प्राप्ति हुई है। बात करते हैं ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली महोबा खजुराहो नई लाइन के लिए। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास निकलकर सामने आया है। वहीं रामगंज मंडी भोपाल नई रेलवे लाइन के लिए पिछले वर्ष जैसा ही इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट मिला है, 650 करोड़ रुपए। इंदौर जबलपुर नई लाइन के लिए, जिसका पहला भाग मांगलिया गांव से बुधनी के बीच में बनाया जा रहा है, इस परियोजनाओं के लिए 1080 करोड़ रुपये की राशि मिली। 800 करोड़ रुपये पूंजीगत और संचित निधि में 280 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष भी 500 करोड़ के आसपास इस परियोजना को बजट प्राप्त हुआ था। यह थी नई लाइनें पश्चिम मध्य रेलवे की। वहीं बात करते हैं दोहरीकरण के अंतर्गत जो बड़े कार्य हैं, इनमें बुधनी बरखेड़ा तीसरी लाइन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन दिखा रहा है। वहीं बीना कोटा दोहरीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए, बरखेड़ा हबीबगंज तीसरी लाइन के लिए 1 करोड़ रुपये, इटारसी बुधनी तीसरी लाइन के लिए 1 करोड़ रुपये, कटनी सिंगरौली दोहरीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इसके अलावा कटनी बीना तीसरी लाइन के लिए 300 करोड़ रुपए, कटनी ग्रेड सेपरेटर बाईपास जो बनाया जा रहा है, महत्वाकांक्षी परियोजना है, 350 करोड़ रुपए इसके लिए मिले हैं। वहीं सतना रीवा दोहरीकरण के लिए 40 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा रुठियाई बाईपास लाइन के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। गुना बाईपास लाइन के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं पवारखेड़ा जुझारपुर अप दिशा में सिंगल लाइन फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे की यह पिंक बुक के महत्वपूर्ण अंश आप सभी के समक्ष बताए हैं। इसके अलावा और भी छोटी बड़ी मद में काफ़ी राशि मिली है। वहीं मध्य रेलवे की भी पिंक बुक की बात करें, कुछ परियोजनाएं जिनमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें से इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को मात्र 1000 रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं जो अहमदनगर बीड़ परली वैजनाथ परियोजना है, उसको 275 करोड़ रुपए संचित निधि में आवंटन किया गया है। वहीं बारामती लोनात को भी संचित निधि में 330 करोड़ रुपए, बरधा नांदेड़ परियोजना को 450 करोड़ रुपए पूंजीगत और 300 करोड़ रुपए संचित निधि में आवंटित किए गए हैं। वहीं सोलापुर उस्मानाबाद तुलजापुर नई रेल लाइन को 225 करोड़ रुपये, धुले बोरविहीर नरदाना परियोजना को 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह हमारी जो इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना है, उसके ही एक भाग के निर्माण से संबंधित है। वहीं कल्याण मुरबाद उल्लासनगर होके इस परियोजना को 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं पचोरा जामनेर मलकापुर तक विस्तार अमान परिवर्तन को 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो काफ़ी अच्छी बात है, मध्य रेलवे के द्वारा भी बजट आवंटन अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को किया गया। इससे भविष्य में इन सभी परियोजनाओं का जो निर्माण है वह सुनिश्चित होगा। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।